तेरा लाख का स्कूटर है, 13 लाख का, तेरा घर इसमें चले जाएगा ब्रो, पूरा चले जाएगा। पर एक मिनट, ऐसा क्या है इस स्कूटर में जो इसे इतना खास और इतना एक्सपेंसिव बनाता है? अब यार दोस्तों, खास है या नहीं है इस वीडियो में हम जानेंगे, पर हाँ, एक्सपेंसिव तो बहुत है यार, क्योंकि स्टार्ट होता है 10 लाख से और एंड होता है 13.5 या 14 लाख तक का। तो भाई, इंडिया के हिसाब से तो बहुत एक्सपेंसिव हो गया। इतने में तो आप एक स्पोर्ट्स बाइक लेके आ जाओ, वो भी अच्छी खासी सुपर स्पोर्ट्स बाइक। पर फिर भी एक सवाल हमारे मन में जो बार बार लगातार आता है कि यार भाई, इस स्कूटर में ऐसा क्या है जो इसे इतना एक्सपेंसिव बनाता है? तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है BMW की तरफ से आने वाले इस स्कूटर के बारे में, जिसका नाम है BMW C400 GT। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स बिगिन। As we all know, इंडिया टू व्हीलर ऑटोमोबाइल्स का सबसे बड़ा मार्केट कैप्चर करता है, जहाँ पर स्कूटर्स और बाइक्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। बट जैसे कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ स्कूटर्स के बारे में, और खास तौर से ये वाले स्कूटर के बारे में, तो यार अगर स्कूटर की बात हो और एक्टिवा का नाम ना आए तो वीडियो कैसे पूरी होगी? देखो गाइस, यहाँ पर मैं एक्टिवा का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि हम इसे कंपेयर कर सके एक बहुत प्रीमियम सेगमेंट के स्कूटर से, अपनी सबसे मोस्ट पॉपुलर एक्टिवा को। इंडियन रोड्स और इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से एक्टिवा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और बढ़ते हुए पेट्रोल के प्राइसेस को देखा जाए तो भी। और क्योंकि ये एक बजट फ्रेंडली स्कूटर है और वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है लोगों को अपने इस पैसे में, तो यार लोग इसको क्यों नहीं खरीदेंगे। और तो और, इसका माइलेज भी काफ़ी अच्छा है, तो यार इसका पॉपुलर होना इंडिया में तो बनता है। अब अगर देखा जाए, एक्टिवा 1,10,000 के अंदर अंदर आराम से आ जाती है, पर यहीं अगर मैं बात करूँ BMW C400 की, तो भाई 13 लाख का है ये स्कूटर। तो यार भाई, इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना महंगा बनाते हैं? ऑब्वियसली BMW का है तो महंगा ही होगा, पर यार इसके अंदर क्या वो क्वालिटीज है जो इसके प्राइस को जस्टिफाई करती है या नहीं, आइए जानते हैं। तो यार शुरुआत करते हैं इसके इंजन से। C400 GT में हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है 350cc का इंजन। इतने पैसे देकर भी एक रॉयल इनफील्ड क्लासिक का इंजन? पर रुको ना भाई, अभी बता रहा हूँ इसमें पैसे किस बात के हैं। नॉर्मल स्कूटर है इसलिए हमें यहाँ पर सिंगल सिलेंडर वाटर कूलर इंजन देखने के लिए मिलता है। और अगर पावर की बात की जाए तो ये स्कूटर हमें प्रोवाइड करता है 34 ब्रेक हॉर्स पावर। 35 Nm का टॉर्क जनरेट करने में ये इंजन सक्सेसफुल है। और अगर मैं इसकी ब्रेकिंग की बात करूँ तो यहाँ पर फ्रंट व्हील में हमें डुअल डिस्क देखने के लिए मिलता है एंड रियर साइड में सिंगल डिस्क। और इस स्कूटर में आप 12.8 लीटर तक का पेट्रोल डला सकते हो और जा सकते हो एक अच्छी सी लंबी सी राइड पर। और यही लंबी राइड के लिए हमें देखना पड़ता है माइलेज, तो इसका माइलेज है 28 km/L, मतलब 1 लीटर पेट्रोल में ये आपको 28 किलोमीटर का रन देगा। और यही स्कूटर का वेट देखे तो इसका वेट है 214 kg, मतलब भाई आपके बुलेट से 20 किलो और ज्यादा, और ऑलमोस्ट एक्टिवा के डबल से भी ज्यादा। तो ये तो हो गई हमारे BMW C400 GT की एक बहुत बेसिक सी स्पेसिफिकेशन, जो कि एक हर आदमी देखता है जब भी वो कोई गाड़ी लेता है। पर अगेन, इसमें ऐसा खास क्या है भाई जैसे इतना महंगा बनाता है? तो सबसे पहली चीज तो ब्रांड। भाई देखो, सारे पैसे जो है वो BMW ने अपने बैच के लिए है, क्योंकि BMW एक बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड है इंडिया में, तो ऑब्वियसली इसकी चीजें महंगी तो आएगी ही सही। दूसरी चीज, इसका रोड प्रेजेंस काफी सही है। अगर आप इसे लेकर निकलते तो भाई लोगों की गर्दन घूमना तो लाजमी है। और अगर कंफर्ट की बात करें तो यार इसकी सीट और इसका राइडिंग पोस्चर इतना कंफर्टेबल है, इससे आप बहुत लंबी लंबी राइड्स आराम से कर सकते हो। और क्योंकि ये एक प्रीमियम सेगमेंट लग्जरी स्कूटर है, तो यहाँ पर हमें कोई भी की लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बटन दबाओ और स्टार्ट करके निकल जाओ। और अगर इसके लुक्स की बात करें तो यार दूसरे स्कूटर से तो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है, क्योंकि इसकी एग्रेसिव हेडलाइट और इसका कलर कॉम्बिनेशन व्हाइट और ब्लैक खासतौर से, क्योंकि आते ही यही है, बहुत सही दिखते हैं। और इसका रोड प्रेजेंस भी काफ़ी सही है। सो गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, BMW की तरफ से ये स्कूटर आता है, तो यार ये ब्रांड कहाँ पर टेक्नोलॉजी से पीछे रहेगा? और तो और, BMW ने यहाँ पर खुद का ही मैप इसमें इंस्टॉल करके दिया है, तो बाय बाय गूगल मैप। पर फिर भी कुछ लोगों की कंप्लेंट ये है कि कुछ जगह ढूंढने में इसके मैप में प्रॉब्लम आती है, तो यार BMW अगर इसे जल्दी फिक्स कर दे तो बेटर रहेगा। ओवरऑल अगर बात की जाए कंक्लूजन की, तो यहाँ पर जो पैसे हैं वो पूरे के पूरे ब्रांड के हैं। यार इतने पैसे में तो आप अच्छी खासी सुपर स्पोर्ट्स बाइक लेके आ सकते हो, सेकेंड हैंड हायाबुसा फ्रॉम करोल बाग। जोक सपोर्ट, इतने पैसे में आपको निंजा 650, Z900, बेनेली 600i और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यार एट द एंड चीज़ तो काफ़ी मक्खन है, पर यार असली अमीर इसे अफोर्ड कर सकते हैं। तो यार आपका इस स्कूटर के बारे में क्या कहना है? अगर आपके पास 13 लाख रुपए हैं तो क्या आप इसे खरीदोगे? मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, और मिलते हैं अगली वीडियो में।